जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों बॉलीवुड में #MeToo कैंपेन चल रहा है, तो वही आपको बता दें, हाल ही में इस कैंपेन के दौरान अभिषेक बच्चन ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या और बेटी आराध्या को लेकर काफी बड़ा खुलासा किया है। दरअसल हाल ही में एक इवेंट में पहुंचे अभिषेक बच्चन से सुजीत सरकार ने कई बड़े तमाम सवाल पूछे थे। आपको बता दें, अभिषेक से कई मुद्दों पर सवाल जवाब किए गए, जिसके अभिषेक बच्चन ने खुलकर जवाब भी दिए थे। सुजीत सरकार ने अभिषेक से मीटू मूवमेंट को लेकर सवाल किया कि आने वाले दिनों में अगर आपकी बेटी आराध्या इंडस्ट्री में एंटर करना चाहेगी, तो इस सवाल के जवाब में अभिषेक ने कहा कि नहीं, लेकिन कुछ भी बोलने से पहले मैं कुछ बता दूं कि दो महिलाएं मेरी जिंदगी में सबसे करीब हैं, मेरी माँ और मेरी पत्नी, और दोनों ने इंडस्ट्री में काम किया है, लेकिन दोनों को कभी भी कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं किया गया। इतना ही नहीं, अभिषेक बच्चन से बेटी आराध्या के बारे में पूछे गए सवाल पर अभिषेक ने कहा कि वो इस बात को लेकर चिंतित नहीं है। अगर आराध्या तय करती है कि उसे एक्ट्रेस बनना है, तो उसे पता होगा कि अपना ख्याल कैसे रखना है। हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, कैरेक्टर तय करना बंद करें। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से सुगंधा की रिपोर्ट।